तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 50 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो आज मैंने इस चैनल पर मार्वल, डीसी और बाकी सुपर हीरो और हॉलीवुड मूवीज के अपडेट देते हुए हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और अब तक जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और साथ ही आज मेरे उन नए लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो आज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो पर क्लिक करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग बस इस वीडियो को पूरा देख लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उतनी ही आपके भाई की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी यार। बाकी बात साइड में रखकर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले अपडेट की बात करें तो एक इंटरव्यू में बात करते हुए आगाथा कॉन ऑफ चाओस सीरीज में कास्ट की गई एक्ट्रेस ऑब्री प्लाजा ने रिवील किया है कि इस 9 एपिसोड सीरीज में उनके कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा और मेजर रोल होने वाला है। जहां मैंने पहले कुछ वीडियोज में आपको बताया था कि रिपोर्टेडली ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर एक विच ग्रुप के साथ मिलकर आगाथा को वांडा के स्पेल से फ्री करने वाला है और उसके बाद से इस सीरीज की मेन स्टोरी आगे कंटिन्यू होने वाली है। इसी के साथ डिज्नी ने अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एंटमैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया मूवी में डेविड चियन रिटर्न करने वाले जो कि एंटमैन की मूवीज में कट का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अगली अपडेट है इटर्नल मूवी से रिलेटेड, जहां इस मूवी में मक्कारी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्ट्रेस लॉरेन रीड्रॉप से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनका मक्कारी का कैरेक्टर वापस इटर्नल मूवी में दिखने वाला है कि नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी इटर्नल मूवी की सारी कास्ट इसके सीक्वल के लिए वेट कर रही है और वो होप करती है कि उनके कैरेक्टर मक्कारी का रिटर्न इसके सीक्वल में जरूर से होगा। इससे पहले भी कई बार इटर्नल मूवी के सीक्वल के बारे में अलग अलग एक्टर और एक्ट्रेस के जरिए बातें की गई है और मेरी मानो तो इसका सीक्वल जरूर आएगा और इसमें पहले इटर्नल मूवीज में दिखी सारी कास्ट इंक्लूडिंग इकारिस भी दिखेगा। अगली अपडेट की बात करें तो थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए रिवील किया है कि उन्होंने लोकी के पूरे सीजन में से उसका बस एक ही एपिसोड देखा है। जहां उन्होंने इसका बस एक एपिसोड देखने का रीजन शेयर करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनको पूरा सीजन देखना पसंद नहीं है, पर उनको 3 बच्चे हैं और उनसे उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो बाकी मूवीज या फिर सीरीज को देख पाए। इसी के साथ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आर्मर वॉर्स मूवी में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का अपीयरेंस होने वाला है, जहाँ इसके पहले इसका अपीयरेंस हमने मिस मार्वल सीरीज में देखा था और इनका इस सीरीज में अपीयरेंस होना तो तय ही था क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बाद से टोनी स्टार्क की कई सारी टेक्नोलॉजी अभी इन्हीं के पास है, जहाँ ये मूवी भी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी और रोडी के लाइफ पर बेस्ड होने वाली है। आगे बढ़े तो एक इंटरव्यू में बात करते हुए एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर जेम्स मैकॉय ने कहा है कि एक्समैन की मूवीज में एज अ प्रोफेसर एक्स काम करना उनका वन ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, पर वो इस बात से फॉक्स स्टूडियो से नाराज है कि उन्होंने उनके चार्ल्स जेवियर और माइकल के मैग्नेटो के रिलेशनशिप का एडवांटेज नहीं लिया। उनका कहने का मतलब ये था कि इन दोनों कैरेक्टर्स के पोटेंशियल को फॉक्स स्टूडियो ने उस तरह से यूज नहीं किया जिस तरह से उनको इसे यूज करना चाहिए था। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या एमसीयू के साथ एक्समैन की अगली मूवी के लिए उनका कुछ कॉन्टेक्ट हुआ है कि नहीं, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो अभी इस कैरेक्टर को प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं है और साथ ही एमसीयू की तरफ से उनको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अभी तक किसी ने भी कॉन्टेक्ट नहीं किया है और अगर किया भी होता तो वो ये चीज मीडिया को डेफिनेटली शेयर नहीं करते। यही प्यादे जो सालाना पे जहाँ एक इंटरव्यू में बात करते उन्होंने कहा है कि इनिशियल ईयर्स में वो अलग अलग फ्रेंचाइज जैसे कि एमसीयू, स्टार ट्रेक और अवतार इनके साथ काम करने में काफी एक्साइटेड थी, पर अभी उनको लगता है कि पिछले 10 सालों से वो इन फ्रेंचाइज की मूवीज में अपना बस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करके स्टक हो चुकी है क्योंकि उनको इन फ्रेंचाइज की मूवीज से इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो दूसरी मूवीज में अलग अलग जेनर और टाइप के रोल करके उनको एज एक्टर ग्रो और एक्सपांड कर पाए। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करें तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एडिटर माइकल फिशावर ने रिवील किया है कि इस मूवी के अर्ली कट में शुरी और नेमोर के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप वाला एक सीन दिखाया जाने वाला था, जहां जिसको इसके फाइनल कट में से डिलीट कर दिया गया और साथ ही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो टीचला का बेटा दिखाया गया था उसको एक्चुअली में मूवी के एग्जैक्टली एंड में दिखाया जाने वाला था, पर ये सीन मूवी में दिखाई गई शुरू की जर्नी पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं था इसलिए इसे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया। इसके साथ इस मूवी की ऑस्कर कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसके लिए ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है और साथ ही इस मूवी से आटुमा का एक कॉन्सेप्ट डिजाइन भी सामने आया है। आगे आए तो लोकी सीरीज में दिखे मिस मिनट के एक फैन अकाउंट ने रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को टैग करके हाय बोलते हुए ऐसा कुछ ट्विटर पर शेयर किया था और इसके बाद रायन रेनॉल्ड्स ने भी सिंपली हाय बोलते हुए हेलो मिस मिनट ऐसा रिप्लाई कर दिया, जिसके बाद से ऐसे रूमर्स आने लगे कि डेडपूल 3 मूवी में मिस मिनट का अपीयरेंस होने वाला है। जहां कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि लोकी सीरीज के टीवी के मॉर्बियस का कैरेक्टर इसमें दिखने वाला है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज अल्ट्रॉन के कैरेक्टर को फिर से एमसीयू में वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एमसीयू इस कैरेक्टर को कैसे और किस मूवी में रिटर्न लाने वाला है, पर इस कैरेक्टर का रिटर्न एमसीयू ने पहले ही प्लान कर रखा है। आगे ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स को रिप्लाई करते हुए डीसीयू के को सीईओ जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि नए डीसीयू में मेनली 4 टाइप के कंटेंट पर फोकस किया जाने वाला है जो कि मूवीज, टीवी, एनिमेशन और वीडियो गेम्स होगी। जहां आगे बोलते हुए उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि आने वाले टीवी शोज में और भी ज्यादा नए डीसीयू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है।
हैं, जहाँ पहले के कुछ टीवी शोज भी इस नए डीसीयू में कैनन माने जाएंगे। साथ ही वो वीडियो गेम्स को भी डीसीयू की मेन टाइमलाइन में कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगली अपडेट है सजा फोरी ऑफ द गॉड्स मूवी से। चाहे क्विंटो में बात करते हो, इस मूवी के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने रिवील किया है कि इस मूवी में जो विलन दिखाया जाने वाला है वो एकदम ही ओरिजिनल और फ्रेश कैरेक्टर होने वाला है, जो कि किसी भी डीसी कॉमिक बुक पर बेस्ड नहीं होने वाला। और इसकी वजह से सजा फ्यूरी ऑफ द गॉड्स डीसीयू की पहले ऐसी मूवी बनने वाली है जिसमें डीसी कॉमिक बुक से कोई भी विलन दिखाया ना गया हो। तो आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल और डीसी सुपर हीरो मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर आपको मेरे पिछले अपडेट वाली वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, उसे भी एक बार जरूर देख लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।